हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 की मैथ्स का। तो देखिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे आसान है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 8x-3 / 3x = 2। देखिए सिंपल, हमें क्या करना है, जब ये लाइन हमारी पूरी खींची हुई होती है ना, तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप कहेंगे 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम उसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 लगाने से यहाँ पे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2/1 बोले या 2 बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह तो हमारा ऐसे ही रहेगा, यानी 8x-3 = 2। अब 3x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले आना है और नंबर को नंबर के पास। तो यहाँ वेरिएबल है 8x, तो 8x रखा, 6x को हम यहाँ ले जाएंगे वेरिएबल के पास, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ माइनस का 3 था, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3, और कोई नंबर तो है नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दिया। 8x में से 6x गए तो कितने बचे, 2x बचे, तो 2x = 3, ठीक है। तो x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पे भी देखो अपॉन में कुछ है, इक्वल टू में 15 है। तो देखो जो अपॉन में है, मैंने बताया था जब भी लाइन हमारी पूरी खींची होती है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो हमने यहाँ पे मान लिया 1, ठीक है। अब 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, कितना, 9x ही रहेगा। इक्वल टू, इस पूरे को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार ब्रैकेट लगा देता हूँ, 15 लिखकर इसको जब मल्टीप्लाई में ना, दो स्टेप में कर देते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9x ये हो गया। इक्वल टू, अब 15 को बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को 7 से करेंगे तो 15 × 7 = 105, ठीक है। माइनस 15 को 6 से करेंगे और साथ में x है, 15 × 6 = 90 और x है तो x साथ लिखा जाएगा, 15 × 6 = 90x। अब 9x ये था, इधर -90x है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 90x, ठीक है। एक तरफ से दूसरी तरफ ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वल टू, यहाँ 105 पहले से था, उसको ऐसे ही लिख दिया, 9 + 90 ये हो जाता है हमारे पास 99x, ठीक है, क्योंकि x x वाले जुड़ गए तो 90 + 9 = 99 = 105। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 / 99। अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो देखिए किससे कट जाएगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये हमारा 3 से कट जाएगा। तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो यहाँ बचा ऊपर 35, नीचे 3 × 3 = 9, ये आ गया 33, ठीक है। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो ऊपर 35, नीचे 33, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, तो x = 35/33, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें भी हमारे पास लाइन पूरी खींची हुई है, अपॉन में कुछ है, अब यहाँ पे भी अपॉन में कुछ है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हमारी पूरी लाइन ये खींची हुई दोनों तरफ, तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 9 को जेड से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9z इक्वल टू, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई इधर या इसको इधर, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, 4z + 15, ठीक है। तो ये 9z इधर है, ये तो ऐसे ही रहा, इक्वल टू 4 को जब जेड से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4z और प्लस है तो प्लस, और 4 को 15 से करेंगे, 15 × 4 = 60। अब नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, 9z इधर है, 4z को यहाँ ले आते हैं, तो 9z - 4z = 60, जो इधर था उसको ऐसे ही रहने दिया, 4z प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का, 9z में से 4z गए तो बचे हमारे पास 5z, 5z = 60। अब अगर z की बात करें तो z के साथ 5 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 60 / 5, 5 × 12 = 60, 5 के टेबल में 60 आ जाता है 12 बार, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई,
जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।